देश की संसद का उद्घाटन होने वाला है, जो कि एक नई संसद है। और इसी बीच पहलवानों का एक नया संदेश आया है कि खाप पंचायतें कल दिल्ली का रुख करेंगी। टिकरी बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो, बदरपुर बॉर्डर हो, सभी बॉर्डर्स पर पैदल मार्च किया जाएगा नई संसद की तरफ। जाहिर है ऐसे में जो सुरक्षा के इंतज़ाम होंगे वो पुख्ता होंगे। लेकिन इसी बीच बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों इस तरह का रवैया अपनाया जा रहा है। हालांकि लोग अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी पूरी तरह से, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि समर्थन में है ब्रजभूषण सिंह शरण के। लेकिन इसी बीच जो बयान सामने आया है वो बाबा रामदेव का सामने आया है। बाबा रामदेव ने साफ कहा है कि रेसलिंग फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण सिंह शरण, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, उसे जेल में डाल देना चाहिए। और जेल में नहीं डाला जा रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक है। हाल फिलहाल बीजेपी भी इस बयान से काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला रिएक्शन दे रही है, क्योंकि बाबा रामदेव इस तरह का बयान देंगे ये शायद बीजेपी भी नहीं सोचा होगा। इसी बीच आपको बता दें, नई संसद का घेराव करने की घोषणा कर दी गई है। कल देश भर से खाप पंचायतें, खासकर उत्तर प्रदेश और हरियाणा से और पंजाब से नई संसद का रुख करने वाली हैं। और दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतने दिनों तक ब्रजभूषण सिंह शरण को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। इसी बीच चौंकाने वाली खबर ये भी सामने आई है कि जिन लोगों ने, खासकर बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक, इन्होंने इस आंदोलन को छेड़ा था, इनके खिलाफ भी एक याचिका दर्ज कर दी गई है। और कहा गया है कि इन लोगों ने अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और ये देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं। हालांकि आपको बता दें कि पहलवानों ने जंतर मंतर पर अपने प्रदर्शन के दौरान ये साफ कर दिया है कि जो भी विवादित बयान दे रही हैं राजनीतिक पार्टियाँ या कोई संगठन, उन विवादित बयानों से इनका कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि हमारा लक्ष्य ये है कि जिन लड़कियों को प्रताड़ित किया गया है, जिनके साथ यौन शोषण किया गया है, उनको इंसाफ मिले और ब्रजभूषण सिंह शरण जो है वो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। तो इस पूरे मामले को किस तरह से राजनीतिक ढंग दिया गया, FIR बड़ी मुश्किल से दर्ज हुई सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर्स के बाद, और अब FIR होने के बाद ना तो गिरफ्तारी हो रही है और ना कोई कड़ा एक्शन हो रहा है, उल्टा उन्हीं महिला पहलवानों के खिलाफ FIR दर्ज करवाने की पूरी पूरी साजिश की जा रही है। लेकिन इसी बीच जो बाबा रामदेव का बयान सामने आया है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत देने वाला है पहलवानों को और महिला पहलवानों को, इससे जाहिर है कि राहत मिलेगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अभी तक ब्रजभूषण सिंह शरण की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है। कल दिल्ली में एक बड़ा हंगामा होने वाला है, क्योंकि खाप पंचायत ने साफ तौर पर घोषणा कर चुकी हैं कि कल दिल्ली के सभी बॉर्डर से पैदल मार्च नई संसद की तरफ किया जाएगा। और जाहिर है कि ऐसे में सुरक्षा के कड़े इंतजाम होंगे, तो इनमें भिड़ंत होने की बहुत ज़्यादा संभावना नज़र आ रही है। हाल फिलहाल पूरे मामले पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के अपडेट्स रहने के लिए देखते रहिए अर्पण न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।